तो और कोशिश करूँगा। और इस गांव के लोगों ने जो मेरा सहयोग किया पहुँचाने का, जिला पंचायत सदस्य बनाने में जो इन लोगों का सहयोग रहा है, मैं काम करके भरपाई नहीं कर सकता हूँ। और एक बार नहीं 10 बार मैं जिला पंचायत हो जाऊँ, इस गांव का ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता हूँ। सब हमारे खिलाड़ी सब आगे जाएंगे। आज कौन जीतेगा? आज अभी तो मैच होगा तभी पता चलेगा कौन जीतेगा। अभी देखिए खेलेंगे तभी ना पता चलेगा ऐसे कौन जीतेगा। यहाँ पे कौन है? इशू हॉस्पिटल। हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरो सर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है इशू हॉस्पिटल, NH 27, पैडलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इस वक्त इनसाइट भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। इस वक्त हम लोग हैं ग्राम सभा औजी में, जिला पंचायत वार्ड संख्या 35 के अंतर्गत ही आता है। और यहां पे युवा समिति के द्वारा हर साल यहां पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। पीछे आप हम देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा था और इसी बीच में यहाँ पे क्रम में सभी लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये उत्साह देखिए आप कितना बेहतरीन उत्साह है। और इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हैं, वो बताएंगे, प्रवीण सिंह जी। प्रवीण भाई, यहाँ के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, किस तरह से यहाँ पे टूर्नामेंट होता है, क्या है यहाँ पे? देखिए, ये हमारे वार्ड नंबर 35 में हमारे क्षेत्र में आता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस गाँव में जो युवा समिति के लोग हैं ये हर मामले में जागरूक हैं। अभी आप कोरोना काल में भी देखेंगे तो औजी के जो युवा हमारे साथी हैं वो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। इसके अलावा हर क्षेत्रों में वो अपना आयोजन का भागीदारी लगातार बना रहता है। और इसके अलावा देखिए प्रत्येक वर्ष ये वॉलीबॉल का आयोजन होता रहता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अंदर ये जो तमाम लोग हैं, तमाम यहाँ पे खिलाड़ी हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे हम लोग। और यहाँ पे मुख्य अतिथि तमाम लोग आ गए हैं, उसका कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे कुछ युवा हैं, कौन सी टीम है आप लोग की, क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। क्या नाम है? अर्जुन कुमार। कहाँ से हैं आप? औजी से। औजी से ही है, मतलब कि ये टीम कमेटी है। और किससे था आप लोग का टूर्नामेंट? कौन जीता? अभी पहला सेट हम लोग जीते हैं। पहला सेट आप लोग जीत गए हैं, अभी फाइनल होना बाकी है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। तो ये तमाम वो हुआ है जो उत्साह के साथ इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि तमाम मुख्य अतिथि कार्यक्रम में समापन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं यहाँ के जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी शंकर सिंह जी। जिला पंचायत सदस्य भी हैं इस वार्ड संख्या से और इनको आप पहले भी देख चुके हैं। कहाँ देखे थे ये आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा। बहुत बहुत बधाई इस नेक काम के लिए कि आप लोग युवाओं के लिए इतना बेहतरीन कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन मैं देखता हूँ कि क्रिकेट टूर्नामेंट, अभी मैंने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट हर जगह होता है, लेकिन जो लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं या फिर कुछ अन्य खेल खेलते हैं वो ढूंढते हैं कि हाँ हमारे लिए भी कहीं पर टूर्नामेंट हो। तो गोरखपुर जिले में, गोरखपुर के दक्षिणांचल में आप ये काम आप लोग ये कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। किस तरह से देखते हैं ये चीज़, ये तमाम चीज़ें? युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिल के इस टूर्नामेंट में सहयोग करने का काम हमेशा किया है और हमेशा करते रहेंगे। उम्मीद है कि यहाँ के युवा भी मतलब कि इस खेल को लेकर ऊपर तक जाएंगे। पूरा हम लोगों का कोशिश और आशीर्वाद, सहयोग सब। तो ये क्या आपके वार्ड संख्या में ही आता है, 35 में? 35 में ही आता है। तो इस गांव के लिए कुछ विशेष कार्य आपके द्वारा? हमारे द्वारा जब से मैं जिला पंचायत हुआ हूँ, अब यहाँ पर लगभग 60 से 65 लाख का काम इस ग्राम पंचायत के लिए मैं कर चुका हूँ अब तक। और अगर आगे मौका मिला तो और कोशिश करूँगा। और इस गांव के लोगों ने जो मेरा सहयोग किया पहुँचाने का, जिला पंचायत सदस्य बनाने में जो इन लोगों का सहयोग रहा है, मैं काम करके भरपाई नहीं कर सकता हूँ। और एक बार नहीं 10 बार मैं जिला पंचायत हो जाऊँ, इस गाँव का ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, हालांकि राजनीतिक टिप्पणी से आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। और 60 ग्राम सभा के लिए 60-65 लाख का काम ये आसान चीज़ नहीं होता है। सर, ये तमाम युवा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, ये तमाम युवा और हर साल यहाँ पे ये टूर्नामेंट होता है, कैसा लगता है आपको देख के? बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले इस आदर्श ग्राम सभा औजी में सभी इस क्षेत्र के सभी खेल प्रेमियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सभी लोगों का इस 9 वर्ष के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं कि नया साल ढेर सारी खुशियां लाएं। और जो बीता वर्ष है, जो लोगों ने आपदा झेला है, वो इस 2021 में किसी भी तरह की उनके ऊपर आपदा न आए। और यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मी शंकर सिंह मौजूद हैं, यहाँ के पूर्व प्रधान हमारे
खड़क चंद जी मौजूद हैं, सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और आशा करता हूं कि इस क्षेत्र के जितने भी हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं वो देश के कोने कोने में और पूरे विश्व में जा करके तमाम रत्न जीत करके, गोल्ड मेडल जीत करके इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इसी शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर आपका नाम? खड़क चंद जी। अच्छा, पूर्व प्रधान हैं आपके यहाँ, तो आप पूर्व प्रधान हैं, तो आप लोग ये देखते होंगे कि क्रिकेट टूर्नामेंट हर गांव में होता है, लेकिन वॉलीबॉल ये ऐसा खेल है हर जगह नहीं हो पाता है, लेकिन आपके गांव में हो रहा है, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। किस तरह से इन युवाओं को कौन प्रेरित करता है, क्योंकि टूर्नामेंट करवाने के लिए पैसे वगैरह लगते हैं? जैसे कि जब मैं पहली बार शुरू किया था इस टूर्नामेंट को, इस वॉलीबॉल को, तो लड़कों में एक जागृति आई और सारे लोग मिल करके उत्साह वर्धन आया और सभी लोग जोश फरोश के साथ मिल करके इस भाग लिए, काम किए, और उसके बाद ये एक सिलसिला हर साल पहली जनवरी को हमारे यहाँ हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सारे बच्चे आपस में मिलजुल करके, आपस में भागीदारी करके और अन्य लोगों से थोड़ा बहुत सहयोग ले करके इस काम को पूरा करते हैं, इस कार्यक्रम मनाते हैं, और इससे एकता जागृति होती है और एकता का भाव बनता है, प्रेम बनता है, इसलिए ये हर साल मनाया जाता है ये पहली जनवरी के सुबह। यहाँ पे पीछे कुछ युवा हैं, आप भी जो थाली पकड़े हैं, आप थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। अरे कोई बात नहीं, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है? रघुवीर कुमार। रघुवीर जी, क्या ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं? हाँ, खेलते हैं। हाँ, खेलते हैं। कोई ऐसा साथी या फिर आप खुद लग रहा है कि हाँ आगे तक जाएंगे? सब हमारे खिलाड़ी सब आगे तक जाएंगे। आज कौन जीतेगा? आज अभी तो मैच होगा तभी पता चलेगा। कौन जीतेगा अभी देखिए, खेलेंगे तभी ना पता चलेगा। ऐसे कौन जीतेगा, यहाँ पे कौन है? यहाँ पर हम सब जीतेंगे अभी। तो ये तमाम वो लोग हैं यहाँ पे रेफरी हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम दिलीप कुमार है। रेफरी रूल वगैरह आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि टूर्नामेंट हो रहा है तो रेफरी हैं आप, दिक्कत आती है डिसीजन लेने में? नहीं, दिक्कत आती है जैसे फील्डर के ऊपर डिपेंड करता है, तो फील्डर कैसे बर्ताव करते हैं उसी हिसाब से मैच होता है, बाकी नियम वगैरह तो मालूम है, ये उसी हिसाब से कराते हैं भैया। तो यहाँ के तमाम युवाओं को और साथ में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में इन तमाम युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, तभी लोगों को सहृदय मेरा भी धन्यवाद, क्योंकि मैं एक युवा हूँ। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी, और आप देख रहे थे इनसाइड भारत टीवी।